विश्वनाथपुरी काशी भगवान विश्वनाथ और पतित पावनी गंगा की पवित्र धरती है। इस धरती में द्वादश आदित्य अर्थात 12 सूर्य भी निवास करते हैं, जहां पर भगवान शिव लोगों का कल्याण करते हैं। वहीं भगवान शिव के साथ सूर्य देवता भी लोगों की दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं। पुराणों में काशी में निवास करने वाले 12 सूर्यों में लोलार्क नाम के प्रसिद्ध सूर्य की बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन है। एक बार की बात है कि भगवान शिव बहुत ही चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। उनको चिंतित देखकर मां पार्वती ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो महादेव ने कहा, देवी मुझे अपनी नगरी काशी की बड़ी चिंता होती है। बहुत दिनों से मुझे काशी का कोई हालचाल भी नहीं मिला। तब देवी पार्वती बोली, स्वामी सूर्यदेव तो सबसे तेज गति से चलने वाले हैं, इसलिए क्यों ना आप उन्हें ही काशी का हालचाल लेने के लिए भेजें। इस पर महादेव शिव ने तुरंत ही सूर्य देवता को बुलाकर कहा, आप शीघ्र ही काशी जाएं। वहां के राजा दिवोदास बहुत ही धार्मिक हैं, पर मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए आप वहां पहुंचकर कुछ ऐसा करें जिससे उनका आचरण धर्म विरुद्ध हो जाए और वो अपना कर्तव्य भूल जाएं और उनके इस आचरण से काशी नगरी उजड़ जाए। किंतु सूर्यदेव इतना ध्यान रहे कि राजा दिवोदास का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान शिव का आदेश पाकर सूर्यदेव ने काशी के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुंचकर राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अनेकों रूप धारण किए। कभी अतिथि तो कभी भिखारी का रूप धरकर उन्होंने राजा से अनेकों दुर्लभ वस्तुएं मांगी, किंतु राजा ने उन्हें सब कुछ दिया। उसके कर्तव्य में कोई कमी नहीं थी। तब सूर्यदेव बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए कि आखिर वो महादेव को दिए हुए वचन का पालन कैसे करें। फिर उन्हें लगा कि यदि उन्होंने महादेव का कार्य पूरा नहीं किया तो लौटने पर महादेव बहुत क्रोधित होंगे। इससे तो अच्छा यही होगा कि वे लौटने के बजाय यहाँ मंद्राचल पर्वत पर ही निवास करें। ऐसा सोचकर सूर्यदेव ने काशी में ही रहने का निर्णय लिया और वे पूरी काशी का भ्रमण और दर्शन करने लगे। काशी का दर्शन करने के लिए उनका मन लोल अर्थात व्याकुल हो उठा, इसीलिए उनका नाम लोलार्क पड़ा। तभी से भगवान सूर्य भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी के बदायनी इलाके में विराजमान हैं और वहां रहकर वे शिव भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में निवास करने पर जो भी सूर्य देवता के इस लोलार्क रूप का भजन पूजन करता है उसे कभी भूख प्यास नहीं लगती और दरिद्रता भी उसके पास नहीं फटकती। आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से लोलार्क देव भक्तों के हर प्रकार के रोग दोष दूर कर देते हैं।